मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रेरित अलीपुर द्वार जिला प्रशासन और कालचीनी प्रखंड प्रशासन ने कालचीनी यात्रा मैदान में कुल दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर अलीपुर द्वार के जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार मीना, कालचीनी बीडीओ प्रशांत बर्मन, कालचीनी पंचायत समिति की अध्यक्ष अरुणा परियार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर सिद्धू कानू के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके अलावा इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को मच्छरदानी भी वितरित की गई। অনুপ্রেরণায় আমরা আজকে এই দিনটি তাদেরকে সম্মান জানাচ্ছি, যে 1855 সালে যে বিদ্রোহের মাধ্যমে তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল যে দুই ভাই সিধু কানহুর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহের সূচনা, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার, তৎকালীন শাসন ব্যবস্থার পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে যে সাধারণ মানুষজন ছিলেন, শুধু আদিবাসী সমাজ নয়, প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল চরম দুর্দশা। সেই জায়গা থেকে প্রত্যেকটি মানুষের স্বাধীন সত্তা, তাদের অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বস্ত্র, অন্য সম্পূর্ণ মৌলিক অধিকার নিয়ে এই লড়াই হয়েছিল। সেই লড়াইয়ের দিকটা কিন্তু আজও আমরা সেই জায়গায় এখনও সেভাবে পৌঁছাতে পারিনি। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজন, এখানে যারা রয়েছি তফসিলি জাতি উপজাতি মানুষজন, আমরা তাদের এই বীর শহীদদের আজকের দিন এই শ্রদ্ধার মাধ্যমে সেই কথাটাকে মাথায় রেখে, যাতে করে আমাদের নিজস্ব যে অধিকার, স্বাধীন সত্তা, সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই এবং আমরা যেন আমাদের নিজেদের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আমাদের সামাজিক, দৈহিক এবং আর্থিক বিভিন্ন উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের সামগ্রিক কল্যাণ যেন আমরা সবাই ব্রতী হতে পারি, তার জন্য আমাদের যে স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা রয়েছেন তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন দিবসের দিনে আমরা তাদেরকে স্মরণ করে, তাদের স্মরণের মধ্য দিয়ে, তাদের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে যে এই দিনটা পেয়েছি, এই দিনটাকে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তাই আজকের দিনের যে অনুষ্ঠান এখানে হবে, যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন তাদের সকলের সহযোগিতায়, সবার সহমর্মিতায় আজকের দিনটা সাফল্য লাভ করুক এবং আপনাদের সবার জীবনের আমি সাফল্য লাভ করে আমার ছোট্ট আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। বেসিক্যালি আজকের এই প্রোগ্রাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী के अनुप्रेरणा से प्रोग्राम हो रहा है और इस प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस मेरे आगे वक्ता ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। ये प्रोग्राम जो बेसिकली हुल दिवस प्रोग्राम आज यहाँ हो रहा है, इस प्रोग्राम में हमारे मध्य उपस्थित हैं श्रीमती शीला दास सरकार, सभाधिपति अलीपुर द्वार जिला परिषद, श्री मृदुल गोस्वामी महाशय उपस्थित है और उसके साथ में बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे मध्य उपस्थित है। सभी को मेरा नमस्कार बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। बेसिकली ये जो हुल दिवस का एक जो प्रोग्राम है, इसके माध्यम से एक ये मैसेज है समाज में कि किस प्रकार सिद्धू कानू ने जो अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया था, एक मैसेज दिया था समाज को कि जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम सबको एक संगठित होना है। ये मैसेज इस आंदोलन के माध्यम से दिया गया था और हम देख रहे हैं कि उसके बाद में आदिवासी समाज का बहुत उत्थान हुआ है और राज्य सरकार विशेषकर आदिवासियों के लिए जो स्कीम लेके आई है उसके माध्यम से आज देखिए आदिवासी समाज में कितना उन्नयन हुआ है। आप देखिए कि बच्चों के लिए शिक्षाश्री स्कॉलरशिप है, उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए उनको लोन मिल रहा है, बहुत सारा उनको स्वरोजगार करने के लिए लोन मिलता है। इसके बाद में बड़ों के लिए जो लास्ट ईयर माननीय मुख्यमंत्री ने स्कीम लॉन्च की थी जय जौहर, जिसके माध्यम से समस्त आदिवासी समाज जिनका 60 वर्ष एज हुआ है उनको समस्त लोगों को पेंशन सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारा आज एक स्कीम और माननीय मुख्यमंत्री लॉन्च कर रही है जिसके माध्यम से स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और उसके माध्यम से लोन मिलेगा। तो बेसिकली एक मैसेज यही है कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जो एक सरकार का दायित्व है, ये दायित्व हमारी राज्य सरकार पालन कर रही है। इसमें समाज के समस्त वर्ग, चाहे किसी भी समुदाय के हो, किसी भी जाति के हो, समस्त समाज के वर्गों के उत्थान के लिए ये सरकार कार्य कर रही है। विशेषकर जेतु आज आदिवासी समाज के साथ साथ बाकी लोगों के बीच में भी एक मैसेज जाएगा कि जिस प्रकार सिद्धू कानू ने ये समाज को संगठित करने के लिए कार्य किया है, तो उस प्रकार आज का जो आदिवासी समाज का युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, वो आपका जो भी है डिमांड है या आपका जो भी अधिकार है, आप प्रशासन आपके पास में है, सब समय हम आपके सहयोग के लिए, आपके हेल्प के लिए
ये सरकार के रूप में जिला प्रशासन आपको ये हम एक वार्ता देना चाहते हैं कि सब मिलके हम यहाँ मंच पे जितने लोग जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं सभी मिलके हम आपके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और आगे भी इस तरह करते रहेंगे। और लास्ट में मैं आज माननीय मुख्यमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से आप लोगों को समस्त लोगों को बेसिकली शुभेच्छा वार्ता उन्होंने दी है, वो आपको मैं कन्वे करना चाहता हूँ। और लास्ट में मेरा वक्तव्य जय जोहर बोल के मैं हमारा वक्तव्य शेष करना चाहता हूँ। धन्यवाद। উপস্থিত আছেন মঞ্চে তাদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা প্রণাম এবং উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন এবং আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক এই শব্দটা উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে যে বাধা একসময় ছিল 200 বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতবর্ষকে শাসন করেছিল, এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের যে অবদান রয়েছে, আজকে যাদের উদ্দেশ্যে এই হুল দিবস আমরা পালন করছি সেই বীর শহীদ সিধু কানু, সিধু মুর্মু, কানু মুর্মু, তাদের নেতৃত্বেও এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীন ভারতবর্ষকে স্বপ্নে দেখে আন্দোলন তৈরি হয়েছিল। তাদের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়েও আজকে আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, তাই তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি 30 জুন প্রতি বছর, আজকেও আমরা তাই তাদের স্মরণ করছি। উপস্থিত রয়েছেন আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আজকের এই দিনটির তাৎপর্য অনেকটাই রয়েছে তার আজাদী কা লড়াই 1857 সাল কে মানাল যায়লা, কিন্তু ঝাড়খণ্ড মে बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जहां आदिवासी इलाका कर आदिवासी समाज कर जीवन बुद्धिजीवी में ना है, इतिहासकार में ना है, शिक्षक में ना है, वो अगर मानना है कि भारत देश का सर्वप्रथम लड़ाई 1855 साल से सिधु कानू चांद भैरव ई मानकर आंदोलन से ही शुरुआत हो रही भारत देश का आजादी का लड़ाई। और ये देश आजादी का लड़ाई ऐसे नहीं होला, 1855 साल में झारखंड में 50,000 की संख्या में आदिवासी मन अंग्रेज सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर लागिन विवश हो गए। वो विवश कर वजह का रहे, वो विवश कर वजह रहे अंग्रेज कर जमींदारी प्रथा के तहत जमीन का टैक्स जेके हमरे मन जमीन का टैक्स देकर प्रथा से ई आंदोलन का शुरुआत होला। आदिवासी समाज इतिहास बताला कि उमर कभी भी ब्रिटिश के टाइम में ब्रिटिश के गुलामी के बर्दाश्त नहीं कर लाई। काले संथाल प्रगना हमर हुने भी पहाड़ ना है, वहां बसोबास करे कला आदिवासी समुदाय स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करत रहे। उस घड़ी ब्रिटिश सरकार भूमि टैक्स के नाम से जमींदार मन का अधिकार दिलक और जमींदार मन जाके प्रत्येक जे मन गांव घर में खेती करत है, जेकर खेत है खेती बाड़ी करत है, हर एक खेती बाड़ी का जमीन से लेकर फल फूल कर जितना धान पाट लगाते हैं वो सब पर टैक्स देवे पड़ी। और टैक्स नहीं देवा रहे यहां ले लेकर उनके चाबुक मारल जात रहे, मगर बावजूद भी नहीं देवत रहे हले वो मन के फांसी दे देवल जात रहे, वो मन के ऊपर ईश्वर अत्याचार होला तब बहुत बड़ा एक उलगुलान का शुरुआत होला, फूल क्रांति का शुरुआत होला, जो शांति संथाली भाषा में कहना फूल विद्रोह कहा जाएगा। से फूल विद्रोह वो मन अपन आजादी का लगे भूमि हमारे के মশারি তুলে দিচ্ছেন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন কালচিনি ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুশ্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকে এই মসকিউটো নেট মশারি ডিস্ট্রিবিউশন। গণেশ মাহালিজি আপকো ভি মেয়ে অনুরোধ করুঙ্গা, গণেশ মাহালিজি, রাম কুমার লাওয়াজি, গঙ্গা প্রসাদজি, বীরেন্দ্র বারাজি, চন্দ্রাজি, হম বিশেষ
হুল দিবস উপলক্ষে যে আদিবাসীদের যে সমাজের ঐতিহ্য আছে এবং সিধু কানু থেকে শুরু করে তাদের যে সমাজে কিভাবে এই পরিবর্তন আসছে সেইসব সম্পর্কে ব্যবস্থা সব রয়েছে। New Kalimpong stores, deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer, Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurduar, West Bengal. Contact +91 7558 91233, +91 6206656078, +97577848281.